हेलो नमस्कार, मैं प्रांशी दीक्षित। बढ़ते हैं खबरों की ओर, बताते चलें। आज 23 मई को होटल एजेंसी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री किरण मैन निंदा जी ने पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर तीखा हमला किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी हां, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हताश एवं निराश हो चुकी है और हताश में उजुल फुलुल बातें कर रही है, जबकि जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के चलते पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान की है और आने वाले चुनाव के चरणों में इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। श्री नंदा ने आगे कहा कि इस देश के नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं एवं व्यापारी आदि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ हैं। श्री नंदा ने आगे कहा कि खासकर नौजवान छात्र इस सरकार से पूरी तरह नाखुश हैं। क्योंकि एक तो नौकरी नहीं मिल रही, दूसरी ऊपर से लगातार सरकार द्वारा पेपर लीक कराया जा रहा ताकि नौकरी तथा आरक्षण ना देना पड़े। इंडिया गठबंधन की गारंटी, जिसमें महिलाओं को 8500 रुपया प्रतिमाह और गरीब जनता को 10 किलो राशन, 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री, 25 लाख का मुफ्त हेल्थ कवर देने की गारंटी थी। पत्रकार वार्ता में इंडिया गठबंधन वाराणसी के प्रत्याशी श्री अजय राय, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री दिलीप डे के आंतरिक प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से डॉक्टर बहादुर सिंह, महानगर महासचिव योगेंद्र यादव, विष्णु शर्मा, महेंद्र सिंह यादव, अनिल साहू, अब्दुल कलाम कुरैशी, रामजी यादव, सैफ अंसारी, अजहर अली सिद्दीकी, अखिलेश यादव, जाहिर नसीर, रजत कुमार, विवेक जोसेफ आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल मिली जानकारी में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं तो एक ही बात आपको बोलना चाहती हूँ, उसका रोड शो होगा, रोड शो होगा, सो महिला सब उत्साहित हो जाएगा। 50% महिला इस बार वोटर है, तो महिला को वोट समाजवादी पार्टी को आ जाएगा। मोदी ने कभी सम्मान नहीं किया, मोदी महिला को कभी, भाजपा को भी महिला को सम्मान नहीं किया और मोदी जी तो कभी नहीं किया। कभी करता है रोड शो होगा, महिला डिंपल जी और प्रियंका जी दोनों का रोड शो है। इतनी उत्साहित है, इतनी यहाँ का महिला जनता इतनी उत्साहित है, ये रोड से एक बहुत बड़ा वार्ता चला जाएगा। अजय राय ही बनारस से जीत के आएंगे इंडिया गठबंधन का प्रार्थी से। संत रविदास को नमन करेंगे, संत रविदास को नमन करके सुनेंगे। क्या वजह है कि रविदास की जन्मस्थली से शुरू होकर दुर्गा मंदिर तक ये सब रोड शो तैयार किया? मैं नहीं बोल पाऊंगा। संत रविदास हमारे काशी में इतने महान संत का जन्म स्थान है, जिन्होंने, जिनकी अमर वाणी है मन चंगा तो कठौती में गंगा, वहाँ पर ये हमारे दोनों, हमारे नेता आदरणीय प्रियंका जी, हमारी आदरणीय डिंपल जी वहाँ उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से चलेंगी। और जो शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा हैं, माता रानी, वहाँ जाकर कुष्मांडा देवी में शक्ति की पूजा करके वहाँ पर समापन करेंगे। क्या वजह है कि जहाँ से प्रधानमंत्री शुरू किए थे वहीं से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी शुरू कर रहे हैं? कहाँ से शुरू किए थे? अरे हम संत रविदास से शुरू कर रहे हैं भाई, हम तो रविदास जी के यहाँ से, आश्रम से शुरू कर रहे हैं, जहाँ उनका स्थान है वहाँ से शुरू कर रहे हैं। अभी हाल में ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता अक्सर ये कहते हैं कि लड़के ही गलती हो जाती है, और वो इस तरह से कटाक्ष कर रहे थे और कई जगह भगदड़ मची है रैलियों में, जनसभाओं में। देखिए इतनी इस बार इतनी भीड़, इतनी नौजवान उत्साहित है, इतनी नौजवान इंडिया गठबंधन का साथ है। जहाँ अखिलेश राहुल जी का सभा होता है ना, जनता इतना उछाल कोई आ जाते हैं उनके पास में उनको समर्थन देने के लिए। प्रशांत किशोर लगातार हमलावर हैं, वो दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार है। देखिए क्या प्रशांत किशोर का बारे में क्या बताऊंगा, प्रशांत किशोर कभी किसका बारे में बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ। हिंदू बंगाल में जब होता है तब भाजपा के खिलाफ बोलता है, इस बार चुनाव में वो भाजपा का बोला। कोई प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ाया, कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ाया, चुनाव इस बार जनता मन मना लिया,
जो इंडिया गठबंधन को सत्ता में लेके आएंगे, भाजपा को हटाएंगे, मोदी को प्रधानमंत्री नहीं होने देंगे। उनके दावों में कितनी सच्चाई है प्रशांत किशोर के? प्रशांत किशोर के दावे कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा दादा, आज पश्चिम बंगाल में लगातार भाजपा विरोध कर रही है। पश्चिम बंगाल में आपकी सहयोगी पार्टी ने टीएमसी, उनकी जो मुखिया, उन्होंने कहा है कि मैं भारत सेवा आश्रम को नहीं मानती, जिसको लेकर के संत नहीं, भारत सेवा आश्रम को रामकृष्ण के नहीं मानते, ये बात नहीं बोला। केवल एक महाराज के बारे में कुछ कारण से बोला, वो ममता जी जानते हैं, जो ममता जी बोला उनके पास कोई खबर है, इस कारण से वो बोला। देखिए, ये किसी का व्यक्ति का चुनाव नहीं है, कौन किया, बोल दिया, क्या किया, जनता ये सब नहीं सुनना चाहते। जनता मन मना दिया, पाँच छः चरण चुनाव खत्म हो गया, बाकी दो पाँच चरण चुनाव खत्म हो गया, बाकी दो चरण चुनाव है। सारे हिंदुस्तान में सबसे चुनाव है बंगाल में, बिहार में और यूपी में, ये तीन जगह में पहला चरण से लेकर सातवां चरण चुनाव और हरियाणा बाकी है। तो हरियाणा में एक सीट भी भाजपा को नहीं मिलेगा, दिल्ली में एक सीट भी भाजपा को नहीं मिलेगा। इतनी भारी बहुमत से लेके इस बार इंडिया गठबंधन सत्ता में आएंगे, किसी का कल्पना नहीं है। अरे योगी जी का पास क्या क्या है ही मुद्दा? उनका पास तो कभी औरंगजेब के लेके आते हैं, कभी बाबर को लेके आते हैं, कभी पाकिस्तान को लेके आते हैं, कहाँ से किसको? भारत में वो नहीं आते हैं, हिंदुस्तान का जनता का बीच में नहीं आते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं। हिंदुस्तान का जनता क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान का जनता का बीच में आएंगे तो जनता उनको तो पूछेगा आप क्या किया 10 साल में जनता के लेके, आप क्या किया, क्यों इतना भूखमरी, क्यों इतना बेरोजगारी, क्यों इतना भ्रष्टाचार, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए, कितनी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। आपके आंकड़े क्या कहते हैं, इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लेके आ रहा है उत्तर प्रदेश में? सरकार बनाने के लिए जितनी सीट चाहिए उससे ज़्यादा सीट लेके इंडिया गठबंधन है। यूपी में सुनिए, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब ये बोल दिया जो 79 सीट हम लोग का था, वहाँ भदोही आके उनका ये मैसेज चला गया, हो सकता है 80 सीट ही सपा का खाते में आ जाएंगे। फटाखट 4 जून को इंडिया गठबंधन साफ, फटाखट और फटाफट इंडिया गठबंधन आ जाएगा। आप देखिए, ये लगातार प्रताड़ना की कार्रवाई हो रही है। पूरे बनारस के हर इलेक्ट्रिक पोल्स पर, सार्वजनिक पोल, सरकारी पोल है ना, वो किसी की प्राइवेट संपत्ति नहीं, रोड डिवाइडर में हर जगह भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हैं, उनकी होर्डिंग्स लगी हैं मोदी की। कहीं पर भी चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है, केवल अजय टारगेटेड है, इसलिए मेरी गाड़ी को चेक किया गया और बदतमीजी की गई। मैं कोई गाड़ी में कुछ मैं ले कुछ कोई भी ऐसी चीज है, पूरी गाड़ी चेक किया उन्होंने। देखिए, भाजपा के किसी नेता की गाड़ी चेक हुई अभी तक? देखिए, कोई भी आदमी की नेता की गाड़ी नहीं चेक हुई जी। ये अच्छा हुआ अजय राय का उनका डर लग गया, इसीलिए इतना चेकिंग पेकिंग किया। अरे अजय राय का जो वोटर है, जो जिसका वोट से जीत जाएंगे, वो जनता तैयार है कि वो केवल इंतजार कर रहे हैं 1 जून। वो मेरा घर चेक करें, मेरी गाड़ी चेक करें, जो चेक करना हो चेक करें, पर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनकी भी गाड़ी चेक होनी चाहिए, उनके भी जहाज हेलीकॉप्टर चेक होना चेक करें, पर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनकी भी गाड़ी चेक होनी चाहिए, उनके भी जहाज हेलीकॉप्टर चेक होने चाहिए, ये मेरी मांग है। उनकी गाड़ी जो टेम्पो, जो भर भर के टेम्पो से आ रहा है माल, वो भी चेक होना चाहिए। जो अडानी का से टेम्पो चला है वो सब चेक क्यों नहीं हो रहा है, ये चेक किया जाए। मेरा भी चेक करें, घर भी चेक करें, गाड़ी भी चेक करें, मेरे घर के दरवाजे तोड़कर भी चेक करना तो वो भी करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात का कि मेरे ऊपर केवल कार्रवाई हो रही है, जो यहाँ के प्रत्याशी उनको तो उनकी तो खैर मकदम हो रहा है, उनको जो है सलूट मारा जा रहा है, कोई चेकिंग नहीं है, उनकी चमचागिरी हो रही है। देखिए सबसे उत्तर प्रदेश में एक सेकंड आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटें निकल रही है? देखिए, पूर्वांचल में 2-4 दिन चुनाव बाकी है, सातवां चरण ना सातवां चरण, ये सुनामी चलेगा, आंधी चलेगा। पूर्वांचल में जितनी सीटें है, कल अपने रिपोर्ट से भादई में बोला था, हो सकता है सब सीट हम लोग जीत के देंगे, किंतु जनता तो एक दो सीट पर जनता का राय नहीं होता है, पूरे हिंदुस्तान में जनता की राय है, पूरा हिंदुस्तान में सुनामी चल रहा है। आप देखिए, पश्चिम दक्षिण में चुनाव खत्म हो जाएगा, एक सीट भी चले जाने से नहीं मिलेगा, एक सीट भी हम दो से कम से भाजपा को नहीं मिलेगा,
एक सीपी नहीं मिलेगा आपका केरला से भाजपा को, कर्नाटक से मुश्किल से दो एक सीट मिलेगा, पंजाब से भाजपा को एक सीट भी नहीं मिलेगा, हरियाणा से भाजपा को एक दो सीट मिलेगा, तमिलनाडु से भाजपा को एक सीट भी नहीं मिलेगा। तो कहाँ से भाजपा का, कहाँ से भाजपा का सरकार का 27 सीट बाकी है कोई बात चल रही है। मेरा लग रहा है जो जनता का राय है, जनता के साथ बात किया, मैं जो ग्रांस पे आया तो सब आदमी तो आपको नहीं जानता, मैं सपा का आदमी हूँ, राष्ट्रीय पक्ष का बात छोड़ो, तो मैं जो चाक सड़क पर बैठी जो चाप किया, बहुत लोग वहाँ बैठी चाप किया था, तो उनको मैं पूछा था आप लोग बनारस में क्या होगा, क्या चाहते हैं। हम लोग इस बार चाहते हैं भाजपा गठबंधन, भाजपा सपा का गठबंधन और हिंदुस्तान से जो इंडिया गठबंधन तैयार हुआ उनको हम लोग वोट देंगे, अजय राज को हम लोग बनारस से वोट देंगे। जनता का पार्सेप जनता का पार्सेप्शन है, जनता का पार्सेप्शन से ऊपर ही चुनाव होता है। मेरा अनुभव है, मैं इतना साल 35 साल में चुनाव विधायक थे, मंत्री थे, बहुत चुनाव में लड़ा, बहुत चुनाव में मैं आया। 2021 में जब बोला था भाजपा, अमित शाह खुद ही बोला था, मोदी जी खुद ही बोला था, इस बार बंगाल में 200 पार, हम लोग बोला था 70-72 भाजपा सभी जा जाएंगे, क्यों जनता का पार्षद करते। आप देखिए 2022 में जो चुनाव हुआ था सपा को केवल 36% मिला था, अभी तो कभी सपा 36% वोट सपा को कभी नहीं मिला, सपा का 36% वोट, कांग्रेस का 6% वोट, भाजपा का था 16% वोट, भाजपा से टूट के सब आदमी इस बार हम लोग का इंडिया गठबंधन में आया। क्यों हम लोग को सुधे इंडिया गठबंधन नहीं, अखिलेश जी जो नारा दिया पीडीए धोनी पीछे अल्पसंख्यक इनको हम लोग एकजुट करके इनको इंडिया सरकार बना के इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत धोनी जो भाजपा का संघ था वो आज इंडिया गठबंधन में शामिल हुआ, यही आगे से हम लोग को लग रहा है कि भारी बहुमत से हम लोग इस बार सरकार बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश में जो 80 विधानसभा सीट लोकसभा सीट है अखिलेश जी पहले नारा दिया था, हम लोग 80 से 79 सीट जीत जाएंगे। तो भदोही ने जो नारा दिया जो जनता का देखा, जनता का जो मूल देखा बोला 80 से हो सकता है 80 सीट हम लोग इसमें बिलास भी है। वहाँ पे वो पूजन करेंगी, वहाँ से पूजन वो और डिम्पल जी दोनों लोग पूजन करके वहाँ से रोड शो शुरू करेंगे, उनका आशीर्वाद मनचंगा कठौती में गंगा उनकी जो अमरवाणी है वहाँ आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेंगी। और शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा के दरबार में जो कुष्मांडा माँ का मंदिर है दुर्गा कुंड, वहाँ पर शक्ति की पूजा करके वहाँ पर समापन होगा। ये लगभग 3 बजे शुरू होना है और लगभग 1.5-2 घंटे में समाप्त हो जाएगा। पिछली बार भी दुर्गा मंदिर ही रहेंगी। हाँ, मैंने बोला डिंपल जी भी रहेंगी और आदरणीय प्रियंका जी रहेंगी, दोनों लोगों का सामूहिक रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र शक्ति सम्मेलन किया, प्रियंका गांधी आदिशक्ति का दर्शन कर, तो क्या आदिशक्ति के दर्शन करके ये जवाब दिया जाएगा मात्र? देखिए जवाब नहीं, वो तो माँ की आराधना करना है। मोदी जी अपनी बीबी की ही रक्षा नहीं किए, अपनी बीबी के साथ ही नहीं रखे, तो उनको मातृशक्ति का और नारी वंदन करने का अधिकार ही नहीं है। जो अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर पाया, अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रख पाया, उसको नारी शब्द का मैं कहता हूं कि उसको अभिनंदन और मातृशक्ति की पूजा करने का उसको अधिकार नहीं है, जो अपनी अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाया। अभी आधी आबादी को सम्मान देने की बात करी है। अरे भाई, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दिया तो आधी आबादी की बात कहाँ से करते हैं? अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाया, उनकी पत्नी यशोदा में बेचारी खोज रही है कि कहाँ है हमारे पति, उनको खोज रही है, टार्च लेकर खोज रही है, पता नहीं चल रहा है कहाँ है।